हाँ भाई, अगला सेट के लिए तैयार हो जाइए। फिर से हम आए हैं लेकर 100 क्वेश्चन का। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है क्या होता है? प्रश्नकाल ठीक बाद का समय। प्रश्नकाल ठीक बाद का समय। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वह भारत का एक सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। पंचशील समझौता भारत और किसके बीच हुआ था? पंचशील समझौता चीन के साथ। पंचशील। समुद्र में अधिकांशतः ज्वारभाटा किस कारण आता है? पृथ्वी और चंद्रमा का गुरुत्वीय प्रभाव। पृथ्वी और चंद्रमा का गुरुत्वीय प्रभाव। एल नीनो जो हमारे मानसून को प्रभावित करता है उसका मूल क्या है? उसका मूल क्या है? प्रशांत महासागर। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? महात्मा गांधी तो भारी उद्योग का समर्थन नहीं किया था। वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए? दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से किस राज्य में संथाल जनजाति नहीं रहती है? संथाल जनजाति राजस्थान। राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? रावतभाटा राजस्थान में पड़ता है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? 20.7। भाखड़ नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज। भाखड़ा नांगल बांध। चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था? इल्तुतमिस। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, गलत वाला चूज करना है? तो अमीर खुसरो सरोद, ये गलत है। भीमसेन जोशी गायन। उत्पल दत्त फिल्म। शंभु महाराज कथक, ये सब सही है। शंभु महाराज कथक, उत्पल दत्त फिल्म, भीमसेन जोशी गायन, ये सब सही है। GST किस पर लगाया जाएगा? सभी पर, निर्माता पर भी, खुदरा विक्रेता पर भी, उपभोक्ता पर भी। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1968 ईस्वी में। बिहार में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस भाग में होती है? उत्तर पश्चिमी में नलकूप द्वारा। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206 होता है। ओके, और अगला है 18 नंबर क्वेश्चन। मुद्रा क्या है? विकास और पुनर्वृत्ति एजेंसी। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? माल्टोस। प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? वर्षा का जल। मानव शरीर का कौन सा हिस्सा ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से प्रभावित होता है? हड्डी। कुछ वायरसों में RNA होती है परंतु
डीएनए नहीं, इससे क्या पता चलता है? आरएनए आनुवंशिकी जानकारी को वायरसों में संप्रेषित करती है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया है? समाजवादी। निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? बग। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो यह है प्रशांत महासागर में। गांधी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन। मैस्ट्रिच संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? यूरोप का एकीकरण। भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका है 42वां संविधान संशोधन द्वारा। यूडियो मीटर किसका मापन करता है? गैस का आयतन का। ओके, वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? इसका हो जाएगा, वायुमंडल में गर्मी कहाँ से आता है भाई? तो इसका हो जाएगा, कल तो हम बताए थे आपको विकिरण, कल वाला सेट में। प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को एलपीजी गैस के वितरण से। वायु में से कार्बन के कण निकालने के लिए कौन से सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? वैद्युत कण संचालन। ओके, विद्युत प्रतिरोधी की एसआई इकाई क्या है? ओम। भारत में 9 तटीय राज्य हैं, किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है, क्योंकि कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श है। बिहार में एनपीसीएल का उर्वरक संयंत्र है? बरौनी। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में। विश्व के महासागरों में किस महासागर का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है? किसका है? आर्कटिक महासागर। गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव? तो दो से जुड़ाव है सच्चाई और अहिंसा से। बर्तनों तथा कपड़ों पर बादामी धब्बे पानी में किसकी अत्यधिक मात्रा के संकेत है? मैग्नीज। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जांच स्थायी सदस्य कौन कौन हैं? चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। जिब्राल्टर जल डबरू मध्य किसको जोड़ता है? अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर। निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनैतिक गुरु मानते थे? तो मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले। निम्न में से कौन सी समुद्र संधि अफ्रीका से एशिया को अलग करती है? बाब अल मंदेव।
बिहार में बाढ़ के कारण है? बिहार में बाढ़ के कारण है उपरोक्त सभी। नदियों का विपरसी बहाव क्षेत्र, नदियों के अपवाह क्षेत्र में अचानक भारी वर्षा, नदियों में गाद का जमाव। ठीक है, बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्वी में। निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार किसके सबसे समीप है? किसके समीप है? पश्चिम बंगाल के समीप है। पश्चिम बंगाल जितना बड़ा है उतना बड़ा बिहार है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है? आहार में लवण का मुख्य उपयोग है? भोजन को स्वाद बनाना। भोजन को स्वाद बनाना। माल्थुसियन सिद्धांत किससे संबंधित है? जनसंख्या से। एमएस डॉस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बिहार में सिगरेट का संगठित क्षेत्र में कारखाना है? मंगेर में। सूची वन सूची टू से मिलान कीजिए। ओके, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान के अधिकार का उल्लेख है? इसका हो जाएगा अनुच्छेद 6 में। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? इसका अनुच्छेद 21। वन देशांतर को पार करने में दो स्थान के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर है? 4 मिनट। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? भारत में। निम्न लिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? गदर पार्टी बाबा गुरदीत सिंह। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? आयोडीन। सेबी SEBI के कार्यों में सम्मिलित है? सेबी। स्टॉक एक्सचेंजों के कार्यों को विनियमित करना। 69 नंबर क्वेश्चन। बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल है? चावल। निम्नलिखित में से किस देश के साथ सऊदी अरब, मिस्र, बहरीन तथा संयुक्त अरब अमीरात ने अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त करने की घोषणा की? कतर। कतर। ब्रिजमेनाइट क्या है? धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज का नाम ब्रिजमेनाइट। राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था भाई? वर्धा में। ओके, सूची 1 और 2 मिलान करना है। ओके, इसका आंसर हो जाएगा डी, मीन्स हिंदू का हो जाएगा सुब्रमण्यम अय्यर, सुधारक का हो जाएगा GK गोखले, वायुष ऑफ इंडिया हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, बंगाली हो जाएगा SN बनर्जी। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? दूध में मिठास आती है लैक्टोज के कारण। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश बीटा किरण में होता है ऋणात्मक आवेश। संगीत में सुर की कोटि किस पर निर्भर होती है? किस पर निर्भर होती है?
मौजूदा हार्मोनिक सनाद से। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? किस आंदोलन से जुड़ा है? भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो सर पैथिक लॉरेंस। सर पैथिक लॉरेंस। निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र कर प्रमुख है? कर प्रमुख है, इसका हो जाएगा आपका भारत का राष्ट्रपति। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है? कौन सा नेटवर्क में नहीं है भाई? चंडीगढ़ नहीं है। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या नई वो है नई दिल्ली। ओके, ऐसे होगा शायद। रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। सार्वजनिक क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा उद्यम नवरत्न है? महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? न्यूटन। पद्मश्री का सम्मान पाने वाली सबसे पहली अभिनेत्री कौन थी? देविका रानी। देविका रानी। थ्रोम्बिन मानव शरीर की निम्न में से किस शारीरिक प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है? खून का जमना। एक अंधिमान वक्र एक्स और वाई के विभिन्न संगतों से मिलने वाली संतुष्टि के स्तर को मापती है, क्या होता है? वहाँ पे ब्रैकेट में मतलब रिक्त स्थान में क्या भराएगा? समान भराएगा, समान। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कनेक्टिंग इंडिया नारा किस ब्रांड का उत्पादक के साथ संबंधित है? नोकिया। भारत में कृष्ण क्रांति किस उत्पाद के विनिर्माण से संबंधित है? कच्चा पेट्रोलियम। राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? केरल का। भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? संशोधन हुआ था उसके एक साल के बाद पारित हुआ था। तो संशोधन कब हुआ था? 1951 में। सेक्स टेंट उपकरण का प्रयोग किसमें होती है? तो 84 का आंसर हो जाएगा नौचालन। नौचालन में होता है। थॉमस कप का संबंध किस खेल के साथ है? किस खेल के साथ है? बैडमिंटन के साथ है। किस कशेरुकी में ऑक्सीजनित और वी ऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं? किस में होगा? उभयचर में। निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो हो जाएगा इसका जर्मेनियम। बिहार में तेल शोधक कारखाना है, बरौनी में। वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना है क्या कहलाता है?
मेसोस्फीयर। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात। मोबाइल द्वारा आयकर भरने के लिए आयकर विभाग द्वारा किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया? आयकर ऐप। भारत में लोकनायक की पदवी के साथ कौन संबंधित है? जयप्रकाश नारायण। निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया है? इसका हो जाएगा डी, सुंदरबन नेशनल पार्क। रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है? अस्थि मज्जा में। और हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा वर्ष 2062 में। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? डी, मूंगफली। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक संगीत का रूप नहीं है? टप्पा। निम्नलिखित में से भारत रत्न का सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सीवी रमन। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र 65 वर्ष होता है। 4 बारी क्वेश्चन आ चुका है। तो इस तरह से दोस्तों ये भी सेट ख़त्म हो चुका है। आप इसी तरह से स्टडी करते रहें, ज़रूर आपकी सफलता आपके हाथ में रहेगी दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।